Chehen Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe to our YouTube channel SSP Success. So, today we are going to cover an important topic which is religious fundamentalism, and it is very important for your SSP AFSP point of view. So, let's get started with our topic. सी फंडामेंटलिज्म होता क्या है सी फंडामेंटलिज्म जो है वो एक तरह का ऐसा बिलीव होता है इन इनफेलेबिलिटी ऑफ रिलीजन और कहें फिलासिफल स्क्रिप्चर इन ऑल द मैटर्स ऑफ फेथ रिलीजन एंड फिलोसफी ये ऐसा बिलीफ है जो कि इतना स्ट्रॉग होता है कि बिलीवर्स जो है कभी कभी उसके चक्कर में मिलिटेंट स्टैंड भी ले लेते हैं और इसका जो पर्पस है वो रीअफ़र्म करना होता है लाइक like, किसी एक के रिलीजन को या फिर स्ट्रेस करे इन एरेसी ऑफ़ एवरी वर्ड ऑफ हिज और हर स्क्रिप्चर्स फंडामेंटलिज्म जनरली जो है वो रिलीजियस कॉनिटेशन के साथ अंडरस्टूड किया जाता है बट कई बार ये नॉन रिलीजियस भी होता है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है या फिर फंडामेंटलिस्ट है वो ये बिलीव करते हैं कि सुप्रियरिटी ऑफ देयर रिलीजियस टीचिंग एंड एक्स्ट्रिक्ट डिविजन जो है वो क्रिएट करते हैं बिटवीन राइटस पीपल एंड एविल डूअर्स ओके या फिर कहे ऑल्टीमियस और हंसबर्गर्स ये बिलीव सिस्टम रेगुलेट्स करता है रिलिजन थॉट को बट ऑल्सो ऑल कंसेप्शन रिगार्डिंग द सेल्फ अदर एंड द वर्ल्ड जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वो एक तरह की मूवमेंट है जो बिलीव पे बेस्ड है कम्युनिटी के या फिर इंडिविजुअल के कि इन एब्सोलूट अथॉरिटी ऑफ द सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ इट्स ओन रिलीजन और फेथ ये बिलीव करते हैं कि उनका खुद का रिलीजन जो है वो बियॉन्ड एनी फॉल्ट है और जो कि ये अपने रिलीजन को या फिर अपनी चीज़ों को फोर्स करने की कोशिश करते हैं कोई भी स्कोप नहीं होता स्क्रूटनी का और कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं होता ऐसे स्क्रिप्चर्स का और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड साइंटिफिक एविडेंसेस रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है वो काउंटर कल्चरल रिस्पॉन्स है जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द सेक्यूलर मॉडर्न वर्ल्ड फंडामेंटलिज्म जो कॉल है वो क्या है ये एक तरह का रिटर्न है टू वर्ड दे कंसिडर द कोर आइडियाज़ ऑफ द रिलीजियस सिस्टम ये टिपिकली फोकस करते हैं ऑन द अथॉरिटी ऑफ सेक्रेट टेक्स्ट या फिर जो कि अंडरस्टूड किए जाते हैं बाय स्ट्रिक्ट नैरो इंटरप्रिटेटर्स और इनको जो है एक्टिव इनकी एक्टिव in इन्वॉल्वमेंट होती है पब्लिक स्फेयर में ये जो टर्म है वो अप्लाइड की गई है सर्टेन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट्स बिगनिंग ऑफ़ इन और इस टर्म वर्ल्ड मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन फंडामेंटलिज्म का मॉडर्न एक मूवमेंट जो है एक तरह का थॉट है जो स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट में अमंग द थियोलॉज इन लेट नाइनटीन सेंचुरी और ये सोन स्प्रेड हो गया बाकी दूसरे रिलीजन पे भी बाई नाइनटीन जो है इस मूवमेंट काम फाइव थियोलॉजिकल टेनेंस दैट इंक्लूड्स इनफ्लेबिलिटी ऑफ एवरी वर्ड ऑफ द बाइबल वर्शन बर्थ ऑफ जीसस बॉडली रिसकर्स ऑफ जीसस द जीसस डेथ वॉज दटोनमेंट फॉर सिंध एंड हिस्टोरिकल रियालिटी ऑफ जीसस मेराकल जो सब्सक्राइब करते हैं इन पांच फंडामेंटल को उनको फंडामेंटलिस्ट कहते हैं सोना यह वर्ड जो है वो प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियन के द्वारा भी यूज किया गया जिनका सेपरेट एटीट्यूड है फ्रॉम मॉडर्निटी लेटर इसी टर्म को यूज किया गया एक्सट्रीम बिलीवर्स के द्वारा ऑफ एनी कम्युनिटी और आज के टाइम पे मोस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो एसोसिएट करते हैं खुद को इस फंडामेंटल लिस्ट एलिमेंट से फंडामेंटलिज्म इन वेरियस रिलीजन क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम द फाइव फंडामेंटल्स जो कि हमने अभी पढ़े क्रिश्चियन फंडामेंटल्स जो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता और कुछ मानते हैं कि इसको प्री मिलेनियल एक्थोलॉजी कहते हैं जो ये कहता है कि वर्ल्ड जो है तब तक डूम है टिल जीसस रिटर्न और डिफीट करेगी एंटी क्रिस्ट को ज्यूस फंडामेंटलिज्म क्या कहता है ये प्रिविलेंट है इसराइल में और ज्यूस फंडामेंटलिज्म जो है वो ये एफर्ट करता है कि एक्स्ट्रिक्ट एडेरेंस इस्टिश हो ज्यूस कल्चर के रिगार्डिंग और ज्यूस लॉ के रिगार्डिंग इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑफ इसलिए लाइफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बिलीव करता है लिटरल इंटरप्रटेशन ऑफ़ कुरान एंड हैद एंड अटेम्प्ट टू एनफोर्स द सरिया लॉ इन टू एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामिक लॉ एक अर्ली इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट इबन तयिया थर्टीन सेंचुरी के नॉट ओनली इनिशिएटेड अ रिफॉर्म मूवमेंट बट उन्होंने ट्रिगर किया था एक जिहाद अगेंस्ट मॉन्गल्स और जो मॉडर्न इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है वो ओरिजिनेट हुई थी नाइनटीन सेंचुरी मेंूवमेंट फंडामेंटल मूवमेंट जो की नर्चर हुई थी विद ओवर्ट एंड कोवर्ट सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न पावर्स जो वेस्टर्न पावर्स है ना यूके और यू एस की वो नर्चर करती है उनको एज अ पोटेंशियल हेज अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ सोवियत यूनियन ये वह भी मूवमेंट सपोर्ट की गई थी बाउ सऊदी अरेबिया जिसको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर द िटी ऑफ कंटेम्प्रेरी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म देखो वैसे आपको इस्लाम फंडामेंटलिज्म का एग्जाम्पल देती हूँ मैंने रिसेंटली नॉट रिसेंटली थोड़े दिन पहले मुंबई डायरीज मूवी देखी थी एमेजॉन प्राइम पे तो उसमें मैंने एक सीन देखा उसमें क्या होता है कि वो अपने ही लाइक कुछ आ, लोग टेररिस्ट कह सकते हैं होते हैं वो अपने ही पार्टनर को मार देते हैं और वो ये कहते हैं कि आ, मैंने उसको अपने मतलब अप किसी अपने बॉस को फ़ोन करके कह रहे होते हैं कि मैंने उसको भगवा भगवान के पास लाइक अल्लाह के पास पहुंचा दिया तो इनका जो है वो इतना ज़्यादा वो इतना अंधा धुन हो के अपने उसको फॉलो करते हैं कि उनको लोगों की जान नहीं दिखती इस इतने लाइक इस लेवल तक का वो होता है इनका अपना खुद का विश्वास अब हिंदू फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं अनलाइक मोस्ट अदर रिलीजन हिंदू फंडामेंटल जो है वो असाइन नहीं करता सुप्रीम अथॉरिटी टू वन स्क्रिप्चर वन गॉड और प्रोफिट और वन बिलीफ ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ मल्टीपल बिलीव है एटीट्यूड है फेथ है स्क्रिप्चर है सेक्स और सब सेक्स है ये वन ऑफ द रीज़न है क्यों फंडामेंटलिज्म हिंदुज़म में ज़्यादा सबड्यूड है दैट देन अदर मेजर रिलीजन दो नॉट फुली नॉन एक्जिस्टेंट सिख फंडामेंटलिज्म क्या है सिखिज्म इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड और ये पर्टिकुलरली एसोसिएटेड है हिंदुजम से खालिस्तान मूवमेंट जो है वो लेट नाइनटीन एटीज़ की है उसको भी सिख फंडामेंटलिज्म मूवमेंट की तरह देखा जाता है जिनका एम है टू अचीव एन इंडिपेंडेंट सिख होमलैंड बुद्धिज़म एंड होमलैंड की बात कर लेते हैं जो फॉलोअर है इस रिलीजन के वो एग्जिबिट करते हैं फंडामेंटलिज्म ड्यू टू पीस एंड नॉन वायलेंस बींग देअ बेसिक टेनेंट कुछ सेक्शन जो है बुद्धिस्ट के रखाइन स्टेट के इन म्यांमार बुद्धिस्ट ऑफ श्रीलंका शोका गकाई सेक्ट ऑफ निरचेन बुद्धिस्ट इन जापान एक्सेट्रा उन्होंने लेबल किया है फंडामेंटलिस्ट को ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजनस डिफरेंस uh, की डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटलिज्म और कॉम्युनलिज्म के बीच में फंडामेंटलिज्म ने वाइड करेंसी ऑफ पॉपुलैरिटी को गेन किया है इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और ये वेराइटी ऑफ नॉर्म्स वैल्यूज एटीट्यूड जो कि ईदा जज द फंडामेंटलिस्ट और यू नो कंटेम करते हैं उनके आउटलुट को ये वर्ड समटाइम यूज़ किया जाता है इन द प्लेस ऑफ कॉम्युनलिजम हाउ एवर दिस सप्तल लाइक डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉम्युनलिजम इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी फंडामेंटलिज्म इज एनफोर्समेंट ऑफ सेक्यू लाइक सेक्टोरिजम विद ऑल रेजिडिटी फॉर पॉलिटिकल मोबलाइजेशन ऑफ अ कम्युनिटी फॉर द पावर गोल्स ऑफ इट्स एलिट कॉम्युनलिजम क्या है एक्सप्लोरटेशन है सेंटीमेंट्स ऑफ रिलीजन बेस्ड कम्युनिटी का फॉर सेक्युलर गॉड So there's a very thin line that differentiate the fundamentalism with communalism. In today's context, both are political instrument and they try to mobilize people on the religious ground. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye-bye. Take care.